भारी पुलिस फोर्स फिलहाल अध्यक्ष को हो पिल्लू खेड़े की जो मंडी है उसके अंदर भारी पुलिस फोर्स फिलहाल आपने नजर आओ और प्रेम जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो आप नजर आओगे। मैं दूसरी तरफ दिखा दूं जो डीएसपी इंस्पेक्टर सब मौके के ऊपर मौजूद है और दूसरी तरफ जो है आप नजर आओगे जो युवा पहुंचे हैं गौशाला के मुद्दे ने लेकर उन तक बात करेंगे। आज के कुछ मुद्दा है और भाई प्रशासन ने जो लिख के दे दिया था उसके बाद के कुछ कसर जो है वो रहेगी है क्योंकि पिछली बार जब आए तो प्रशासन ने लिख के दे दिया था। कैमरा एक बार चारों तरफ का घुमा के दिखाना चाहूंगा किस हिसाब से पुलिस की प्रशासन की गाड़ियां एसडीएम सब जो है मौके के ऊपर तैनात नजर आओगे। भाई राम राम भाई। और फिलहाल सामने की तरफ आपने ये दिखेंगे युवा खड़े हैं वो के कहेंगे भाई नहीं एक बार एक मिनट रेडी भाई ये के कहेंगे ये इनका के कहना इनते एक बार बात करा हूँ हटिए भाई हट जाओ हटिए थोड़ा भाई देखो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करेंगे इस वीडियो में शेयर करो और तमाम लोग हाँ चक्करदारी है कल वाला भाई ये भाई बताऊंगे चंकी भाई सरदार भाई रिलू भाई राहुल भाई बता ठीक है सब नाटक जानते हैं गुरुकुल में जानते हैं तो एस डी एम साहब बोल रहे थारी सारी डिमांड पूरी होंगी तो मैंने तो आ रहा है सिस्टम माइक पकड़ने का एक मिनट मित्र अरे कोई किसी मानता को नहीं माइक के चक्कर में एक बैठ के सारी बात बात बतला कर होंगी और उसका निर्णय करेंगे दो मिनट प्रशासन को भी मिलेंगे एक बार बैठ जाओ सारे भाई मेरे बैठ जाओ भाई बक्सर है है छोटे हट जाए एक मिनट तू आड़े बैठ के नहीं सुन लेगा थोड़ा हट जाए अरे क्या भाई देख सुनो भाई क्या चाहो इस भाई गले सारे होने क्या कहना है शासन पाछली मांगवा मान्य एक नहीं तीन भाई सुनो जो पंचायत एकदम ये रुका खसी लो भाई फिलहाल युवा बढ़ लिए है एक बड़ी देखिए आजा आजा जाओ रहना ये युवा बढ़ लिए सरदारे अटिया एक मिनट अटिया अरे चंकी सरदारा भाई क्या क्या कर रहे हो किस भाई सिस्टम हमें हम आए थे गौ माता न्याय दीवाने ठीक है हमें पूरा काफी लेकर हमें हमारी 10-15 गाड़ी लेके और ये भाई से ये मरशती है सारा सही हो गए लेकिन आड़े चल रही है पे और राजनीति के माइक पकड़ने का चक्कर चल रहा है और कुछ नहीं है जिन्ना पता नहीं मेरा ये जिन्ना पता नहीं मेरा पूरी का ये माइक आया तू आ गया माइक चाहिए वो आ गया माइक चाहिए अरे बात तो देख लो मुद्दा क्या है जो भाई करता है जो अपने घर छोड़ के आ रहे हैं मैं उन्हें गऊ भगत बनू हूँ भाई और मैं इनकी इज्जत करूँ लेकिन इनकी इज्जत क्यों नहीं करी जान लग रही कोई कौन सा बलबाज के इनकी सुनो ये फालतू से क्या करते हैं ये रात तू ये पकड़े गया सही बात है भाई ये माइक पकड़ने का कौन पकड़ दे एक भाई लुक रख ये भाई बाल लगा रहे ये भाई ये भाई ये दंगा दे देखिए सेवा भी करे दान भी दे और गौआ तल भी पकड़े लेकिन राजनीति कौन करते एक भी कैमरा एक सामी को लेने सुने तमारे होने सारे भाई मंत्र गुंडा को हमरे भाई गुंडे में जो सीएम के पद पर उठनी है वो आदमी ने शर्म आई थी गुंडे गुंडे हां अच्छा मैं खुल के गा हां भाई आज हमका गुंडा का गुंडे हम खून चलो जब मर गयो माता ऊपर बात आओगी मर भी जाए अगर मर भी जाए फिर कहा गुआ खतरा रे हां इनके सच्चाई की आवाज उठाना रे इनके खतरा क्या खतरा रे हां राहुल बॉक्सर कोई नहीं ना बाजले ये भैया फैसला कौन सुनता भाई
ये भाई करेंगे फैसला तो कर छोड़ क्या रहे के कहना के नहीं बात मानस का बोला पांच जने प्रशासन द्वारा चलो जो फैसला होगा रही है के बेड़ का असर ना रहे हैं सो भाई सनातनी को रक्षक का दल में साथ में ना रहे हम उन तो पीछे भी ना फैसला नहीं करेंगे यो हमारी कसम है चलो फिलहाल एक बार वो कड़ा है छोरा जो था वो कड़ा है फिलहाल वो है ना समझ मारी भाई वो बिचड़ा खड़ा है करेगा के और प्रशासन खड़ा है प्रशासन का पंगा लेना भी ठीक नहीं है लेकिन फिलहाल करना क्या है देख लो एक बार उड़ा से चले गए फिर उड़ान आ गए भाई भाई आवेंगे मन के बिना रूम के खेल रहे उसकी भाई राम राम भाई भाई क्यों गया नहीं भाई राम 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 भाई जगो माता नहीं फिलहाल बातचीत चल रही है आपस में क्या चल रही है क्या नहीं लेकिन प्रशासन एक बता दूं प्रशासन मुस्तैद तैनाती तैयार है और दल बल की गया फिलहाल प्रशासन आप नजर आवा पिछली बार भी होया था कि भाई लास्ट तक इतना बातचीत हुई थी इतना तो लास्ट थी मन से सारे 50 रह गए थे उसा ना हुआ क्या बात कर रहे है एक मिनट ये थोड़ा है भाई एक मिनट सुनो ये महाराज जी गंडी स्वामी सहित तुम चार व्यक्तियों के नाम बोल दो आप उन्हें ले आएंगे और उनको कोई नहीं राहुल ये मामला भाई पिछली बार लिखा था लिखा जी एक मिनट और ना मैंने बात होता क्योंकि भैया वह बात भाई है अगर माइक बटन के चक्कर में चार चेलिया ने लिया कपड़े ने और आगे पाछे थे ना थे ये है वो है जो करणिया है उसके उसने दिखाई एक बार चुकर घेरे खड़े है चुकर दे तो माइंड वॉश करने खातर चुकरते का माइंड वॉश कर रखा है और प्रशासन लगातार अपील करने लग रहा है कि भाई सा ना करे हाँ एक बार नून गल गया एक बार न्यून गल गया एक बार ये कलकी मार दी यो काम चल रहा है एक बार न्यून कलकी मार दी एक बार न्यून कलकी मार दी एक बार न्यू कर दिया एक बार न्यू कर दिया लेकिन इनका होना जाना फिर वह बात कहेंगे अच्छी नहीं अगर गौ माता पे चल रहे हो तो फिर गौ माता के लिए ही चलो चुकर दे दिखा दे भाई संख्या में बड़ी में पहुंचे हैं हालांकि एक बार प्रेरण हाथ का ले दिखाइए भाई प्रशासन गल 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 डीएसपी साहब जो है आशीष कुमार जी वो मौके के ऊपर और जो इंस्पेक्टर है नुक जी वो मौके के ऊपर और तमाम एसडीएम साहब जो है वो मौके पर मतलब तमाम अधिकारी जो है वो मौके के ऊपर मौजूद है और प्रेरण पुलिस फोर्स देख लो वो लगा दी गई है तमाम तैयारी के साथ है और यहाँ पे भी आपने पुलिस फोर्स तमाम तैयारी की नजर आओगी लेकिन फिलहाल तक इनकी यह बात समझ नहीं की करना के है चावे के है और एक सब तो बड़ी कमी जो बताऊंगा मैं तुमने कोई भी बड़ा व्यक्ति यार मौजूद नहीं है बड़ा बूढ़ा कह दिया ना जिसने वो मौजूद नहीं है और प्रशासन तो बात करे एक मिनट आइए भाई डीएसपी साहब तो बात करने लग रहे तो फिलहाल एक अनाउंसमेंट जो है वो करी जाओगी डीएसपी साहब आपके आपके आपकी कमेटी के 5 बंदे हमारे से बातचीत करेंगे आप लोग आराम से पीछे जाके बैठ जाओ आप लोग आपसे रिक्वेस्ट है आप आराम से पीछे जाके आराम से बैठ जाओ चलो फिलहाल एक अनाउंसमेंट करी गई है 5 व्यक्ति जो वो जाकाला अधिकारी है एक बार बात कराएंगे और उसके बाद जो भी रहेगा वो तुमने एक बार जरूर बतावांगे लेकिन उससे पहले दिखा दिया कि अलग अलग धड़ा जो इस इनका भी खुद हो लिया है और फिलहाल अंदर की तरफ उन ले गए हैं जितने भी तमाम व्यक्ति थे उन अंदर की तरफ ले गए हैं पुलिस जो है वो तैनाती मुस्तैदी तो फिलहाल तैनात जो है वो कर दी गई है पुलिस हर जगह पे अच्छा एक चीज और बताऊंगा जो गुरुकुल है Thank you.
हेलो, तो फिलहाल ये देख सको हो तमाम तस्वीर जो शामियान लग रही है, गौरक्षा दल के जो तमाम अधिकारी आला जो व्यक्ति है वे तो पहुंच रहे गुरुकुल में, और गुरुकुल यो कालवा गुरुकुल है भाई गोहाना रोड पर उसके ऊपर पहुंच रहे हैं, और युवा जो वो आड़े इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब बड़े बूढ़े उड़े हैं, दो धड़े इनके भी हो रहे हैं, और फिर एक धड़ा प्रेम जाकर वो बट गया है। एक बार उन तभी चाल के बात कराई, उनका कह रहे हैं वो प्रेम प्रशासन तक बात करने चले गए, दूसरी तरफ भी पुलिस फोर्स जो है वो लगा दी गई है। एक डर यो भी है कि भाई प्रशासन यह चीज भी देखे है कि बड़का का मुकदमा खाऊ खा लाग जाए। फिलहाल उन तक एक बार बात कराएंगे चाल का के कमे है के नहीं है के पूरा मामला माजरा है, और ये माइक पकड़ने वाला सिस्टम जरूर लग गया है कि चार पांच आदमी यूपी से गया वे, और वे जरूर नु कर रहे हैं हाँ हम बोलेंगे ठीक। भाई एक मिनट यो, एक मामला आपके बात करने लगे पांच आदमी प्रशासन। सुनो भाई कोई बात नहीं, जो पब्लिक से हमारे साथ में खड़ी है देख ले, चारों बड़ कमरा घुमा ले, सारे जो भाई हैं गौरक्षक भाई हैं देख कित रहे कम से कम भाई जुलाना भाई जुलाने थे वो भाई सीखते ये जितने भाई और भी गा मैं पूछ ले अलग अलग जगह था हमारे क्षेत्र जुड़ के आ रहे हैं, और हम इनका दिल से सम्मान करा, लेकिन हम कोई राजनीतिक तत्व नहीं करना यार। जो तू बात बताओ सरदार माइक पकड़ना रहे तो देखे कई चार पांच चेला ले रहे हैं, ये बोलेंगे ये बोलेंगे उस राहुल ने नहीं बोलने दे इस बार हम भाई हम कुछ भी ना कहना चाहते, हम चाहे समाधान हो जाए किस तरीके का हो जाए, हमने ना माइक पकड़न दे जरूरत भाई ना कहेगी जो समाधान चाहिए भाई। असली बात की है बाबा रामदेव ना टेम काटा इस गौशाला में ठीक है, और बाबा रामदेव की बीजेपी में बढ़िया चाल पूग है, बाबा रामदेव अपनी गौशाला की बदनामी नहीं करवाना, बाबा रामदेव दो मिनट में फोन बाज जाए बाबा के एसपी और सारा प्रशासन तो एसपी प्रशासन सब ने बेरा है ठीक है, अब जितने भी हैं सही सही तरीका बढ़िया बात ने ठान खातर हैं जितने भी आ रहे हैं, और प्रशासन सारा के लिए है ठीक है, लेकिन दबाव में ये भी ऊपर तो दबाव पड़ रही है ये क्या कर सके हैं, यही बात करना चाहिए, इन तीनों कहेंगे ना लाठे मारो तो लाठे मारेंगे मारे ठीक है भाई, मजबूरी है भाई लाठे खाना रहे भाई अड़े और क्या अड़े। रामदेव के बारे में क्या बताओ, रामदेव की गौशाला नहीं हो भाई ना कहता ना भी रामदेव की गौशाला बताओ, रामदेव ने टाइम काटा है तो रामदेव बीच में होगा तो रामदेव की आंख नहीं फोड़ देंगे दूसरी भी भाई। सुनो भाई किसी क्यों को नहीं भाई, ये बता दे छोटे छोटे बालकिया का जुनून सवार है गौ माता का, आज का दिन गौ का मरण मारने तैयार करे भाई देखे कितने आ रहे हैं, गौवा की बदनामी हो हिंदू धर्म की बदनामी हो इसीलिए तो हमने बदनामी रोकने का तो बदनामी है कुछ भाई, जो सनातन धर्म है हमारा पहला कर्तव्य क्या बताओ कि भाई गौ की सेवा करना, अगर गौ ना माता गवा घर की पहली रोटी काटा हाँ फिर उसे खाल ने तरवा उसे असर कटे पावे है तो इस तरह बड़ी डूब का मरण की बात और क्या होगी, पहले तो चलती आई हिंद गौशाला ऐसे किस तरह चलेंगे भाई नहीं बता नहीं अडवाड़े भाई एक बात बताइए अडवाड़े सही थे ना वो क्या मुंदिया जाकर देख ले, तू तो जाया होगा पहले भी जाया होगा नहीं उसका ऊपर भाई क्या मेट दिया सबूत क्या मेट दिया उड़ते हैं सारे डर रहे हैं सही थी जब चीज सही थी तो प्रबंध क्यों कर दी भाई विरोध ग्रहण कर दी होगी पब्लिक, एक बात पब्लिक से सही तो पब्लिक सही चीज का विरोध करेगी सरकार बंद कर देगी मैं कदे भी ना चीनी है चीनी में मान लो मतलब पब्लिक नु कहेगा कैंसर है सरकार बंद कर सका है क्यों नहीं क्योंकि वह सही है, अगर यह चीज रॉन्ग थी यह चीज गलत होने लग रहा था है कुछ गलत हो जब पता इतना बड़ा पंगा हो रहा है आज तीन है कि उस वीडियो तू खुद देख ले भाई मतलब जो गई गुण का चीज हो रहा है खुद बोलने में नहीं हो रहा बोलना भाई उसका सिस्टम मतलब जो उसने बदल कर रही है पब्लिक उसका जो मतलब जो मेन मुद्दा था उस तो भटका दिया भाई सारे लोग उनके है जो है ना सारे ने मिलजुल का अपना काम लेना है ठीक है भाई उड़ा कालवे गुरुकुल में उड़ चलो भाई एक बार ठीक समाधान होगा। सुनो भाई उड़ा उनकी भी सुना है काम राम भी इकट्ठा हो रहा है उड़े समा अपनी उड़े वही बन जा था वो उड़े थे अर्ध डोलिया थे उन्होंने बोला मामा थारी 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 कोई चाल फूक नहीं है ठीक है थारी कोई चाल फूक नहीं है जो फैसला लेना हमने लेना काम क्या लेना है तो एक बार उनकी जाकर भी सुन लो उड़े चाल के क्या दिक्कत है बड़े बूढ़े भाई एक बात प्रशासन ने बंधक बनाया क्या रहे मंडी के बाहर लकड़न को दिन दे मैं बता रहा है हम तो कर दिया कित क्या जाओगे गाड़ी तो भीतर खड़ी है भाई गाड़ी भीतर खड़ी है कमेटी बैठी हुई सरपंच बैठे हुए फैसले लाग रहे जो युवा शक्ति आ रही है जो इस चीज का विरोध कर रही है वे प्रशासन द्वारा अड़े करवा दिए प्रशासन हमारे साथ है लेकिन दबाव में काम नहीं कर पा रहा भाई और वह भी नुचा गौ माता इंसान मिल रहा है यह बात
तो हो सके कि प्रशासन दबाव में ना काम कर रहे हो। प्रशासन मेरा भाग्य क्या हो रहा है? गौ माता की बात है, जप्ती पंचायत भी भाई देख जुड़ से खड़े पत्ता हौलदार भी जाने मैंने मुंह भी काम के भी है बोर्ड के भी है सारे जाने सारे माँ भाई लाठे मारने आगे न बोले लाठे मारने यार कत्ती मारी है मजबूरी पंचायत माता जाना ना तेरे प्रतिष्ठा नहीं हो जाती जो ये भाई है सारे जितनी भी हो सकती है बात करो दामे एक मिनट भाई राम मंदिर की मार्केटिंग का खेल चल एक पंचायत में जान खातर सारे तरसन लाग रहे हैं मैं बता रहा हूं बीजेपी की भाई बीजेपी होगी चाहे कोई भी सरकार होगी हमने सिर्फ के मतलब है गौवा का जो एसपी का आई है उधर थोड़ी मानेंगे। चलो फिलहाल बातचीत जो है वह चालू है लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन भी उन्हें लिए खड़ा है के रो होगा के नहीं हो तो देखांगे दूसरी तरफ प्रशासन भी उन्हें लिए खड़ा है चुकरते के युवा जो है इसमें जरूर आप नजर आओगे इस अनाज मंडी के अंदर युवा जो है वो अपने चारों तरफ का जरूर नजर आओगे और ना बहुत अच्छा काम करा हुआ तुमने क्या कहा थोड़ा का ये काम नहीं करा रहे पटेल हाँ गौ माता अच्छा और ना कड़ा सी है गौशाला कड़े ही पड़े कौन से गांव का है तलोड्डा का तलोड्डा का तलोड्डा कड़े पड़े जिंद रोड पे जिंद रोड पे। अच्छा गौ माता का किम्बेरा भी है तलो बेरा भी। अच्छा कौन से दलते है दल है कौन अभी वो जाएंगे। अच्छा कितने साल का है 19 साल का भी 19 साल कितना काम कर लेना था पुलिस घना लाल कर दिया अगर मार मार कर समझाने की बात बताऊं हिन्न ये मरते मिला मिला बे ये भाई बोलना तो आवा हिन्न बड़का ना लेकिन करण का ही ना कुछ नहीं बेरा जब बेरा होते ही प्रशासन ने कोड्डा करके अरबिला जी काम कर दो मारा ठीक है तो फिर वही चीज है ना इन बड़का ने युवा की यह बात अटके है हमेशा के माँ बाप भेज तो देह नी बेरा हों मारा छोरा कड़े जान लग रहा है ठीक है। चलो फिलहाल प्रशासन जो है वो अपना काम करने लग रहा है युवा जो है वो काम करने लगे लेकिन जिस लड़के ने वीडियो बनाई थी उस लड़के तो आप एक बार बात जरूर करांगे के सच वो बताओगा। जय हिंद इंकलाब जिंदाबाद।